दोस्तों आप अपने सामने देख रहे होंगे काफ़ी अच्छी नक्काशी कर रखी है लकड़ी के ऊपर। और ये पुराने ज़माने में होती थी पहाड़ों में, जो मकान होती है सारे मकानों में लगभग जो है नक्काशी होती है। पर जो ये आप देख रहे हैं ये हमारे मतलब मेरे नानी गांव में जो है नानी लोगों के घर पर है ये नक्काशी। और ये पुराने ज़माने में करी गई थी और ऐसी नक्काशी और कहीं पर भी नहीं है। आप देख सकते हैं कितना बारीक डिजाइन है, पूरा हाथों से बनाया गया है। आज हम आ रखे हैं सड़कोट गांव में और ये आप माहौल देख सकते हैं। रात के कितने बज रहे भाई, अपना भाई सागर भी यहीं पे है। कितने बज रहे समय? 12:40। ये देखो भाई टाइम, छोड़ो ये देखो टाइम, 12:40 करीब हो गया। एक कुत्ता यहाँ बैठा हुआ हमारे साथ, एक कुत्ता यहाँ बैठा है। और भाई गांव का मज़ा देख रहे हैं हम। इस तरफ है भाई बहुत ही तगड़ा जंगल, ये रात के टाइम पे दिख नहीं रहा, मतलब फोन में नहीं दिख रहा, हमें तो दिख रहा है। लोग भटक रहे हैं, लोग भटक रहे भाई, रात के एक एक दो दो बजे भी लोग दिख रहे हैं घूमते हुए अपने आंगन में। और ये मकान भाई काफ़ी बढ़िया दिख रहा है यहाँ पे फ्रंट में। ये देखो पुराना सा मकान है, गोट है शायद से, ऐसा लग रहा है। और बाकी भाई इस गांव में जो है रास्ते काफ़ी बढ़िया लगे यार मुझे, ये देख रहे हो बिल्कुल बढ़िया बाइक जाने के रास्ते हैं पूरे प्लेन, कोई कच्चा कच्चे रास्ते नहीं, बरसात की कोई टेंशन नहीं। और बाकी वहाँ शादी थी वो देख रहे होंगे आप, वहाँ से हम इधर आए हुए और कोई हमें वहाँ से देख रहा है शायद, मुझे लग रहा कि भाई हम जो है बाकी गांव का जो नज़ारा है वो आपको कल दिखाएंगे। अभी जो है सो जाते हैं, रात के 1 बज गए हैं और नज़ारा आप देख ही रहे होंगे भाई सामने की तरफ। रात को इतना कुछ दिखेगा नहीं, हमें दिख रहा पर फ़ोन में नहीं दिखेगा, अच्छा खासा फ़ोन भी नहीं दिखा पाएगा आपको। और बस यार बाकी हमने डांस डूंस किया, शादी वगैरह थी, डांस वगैरह किया और अब सोने की तैयारी है। कुछ सो गए हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ वहाँ हैं, बस आवाज़ ही आ रही होगी आपको। और बस बाकी हम कल सुबह आपको दिखाएंगे भाई, ठीक है? गुड नाइट।